नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हमेशा की तरह कोशिश यही कि जो जो महिला दर्शक आज जुड़ेंगी इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ होंगी, उनकी क्वेरी सॉल्व करी जाए और फिर से बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और इस बार वो है मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर कोलकाता से, सिटी ऑफ जॉय से, अमित सेठ साहब। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस शो में शिरकत करने के लिए। बस आ रहा हूं आपके पास। पहले डायरेक्टर साहब, दिखाना शुरू कर दिया वैसे, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे रीच आउट करने के लिए। ऐसे ही ट्विटर का, एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का आईडी, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। एक मिनट, इंस्टाग्राम का आईडी स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम का लेकर आइएगा। ये आ गया, आएगा, ये यहां पर रोकिए। ये इंस्टाग्राम का आईडी है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा इसमें कोई डॉट, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। आप में से बहुत लोगों के अपडेट्स आ रहे हैं जिसमें कोई उनको मैसेज कर रहा है बिटकॉइन में इन्वेस्ट कराने के लिए वगैरह वगैरह, उसमें मेरे ख्याल से ऐश डॉट वर्मा या कहीं डॉट वॉट लगा हुआ है वो आईडी, मुझे ब्लॉक कर रखा है उन्होंने तो मैं उसे रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप में से कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पर वो आईडी लगातार सबसे वो पैसा वैसा मांग रही है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आईडी स्क्रीन पर है विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर इन बिटवीन, यही सिर्फ इकलौता इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी कोई भी आईडी आपको फॉलो करने आ गया है प्लीज़ ब्लॉक करिएगा, क्योंकि वो पेज एग्जैक्टली सेम एमुलेट कर रहा है जैसे ये वाला इंस्टाग्राम आईडी का पेज है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का, सिर्फ यही इकलौता आईडी। चलिए मार्केट्स एक बार स्क्रीन पर रख दीजिएगा प्लीज़ डॉक्टर साहब। ठीक है, हमने फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव इंजॉय कर रखा है, उस तगड़े अप मूव्स के बाद अब सैटरडे का सेशन निगेट कर रहा हूँ, जहाँ चले थे वहीं खत्म हो गया था सैटरडे, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ठंडा था। पर फ्राइडे का सेशन गजब के मूव्स थे, 350 पॉइंट निफ्टी पे, 1100-1200 पॉइंट निफ्टी बैंक पे, तो उसके बाद कह लीजिए कंसोलिडेशन है और क्या है। सब प्लेयर्स लौट के आए, पार्टिसिपेंट्स लौट के आए, ग्लोबल क्यूज थोड़े से ठंडे थे, कंसोलिडेशन का मूड दिखा रहे थे। हमने एक तरफा मूव फ्राइडे को ट्रेंडिंग डे बनाया था, गजब का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए थे, उन रिकॉर्ड्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं और क्या है, 22,400, 410, 420 के आसपास के जोन। हाँ, कुछ दिक्कत है मेरे को तो वो ब्रॉडर मार्केट्स के, पर वो आज की कहानी नहीं है। पिछले 8-10 दिन से ऐसा होते ही चले जा रहा है, ब्रॉडर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस क्लियरली एविडेंट है और वो इंडेक्स से नहीं दिखेगा आपको। हाँ, मुझे पता था इंडेक्स आने वाला है, मार्केट ब्रेथ से दिखेगा आपको, 1:2 का रेशियो है, ये बस एक दिक्कत है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी ब्रॉडर मार्केट से चल रहा है। तो हम रिटेल को अपने मिड कैप साइड ऑफ द स्मॉल कैप साइड ऑफ द पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है, रह के मुनाफा बांधते रहना है, थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ ही अपना रुझान इस समय रखना बहुत जरूरी। खैर सेठ साहब, मार्केट्स में क्या व्यू बन रहा है, कैसे रीड करूं आज का जो थकी सी चाल है, कोई दिक्कत तो नहीं? जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपने काफी अच्छे से प्रेजेंट किया कि फ्राइडे के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग सेशन देखा था, तो ऑलमोस्ट अब हम थोड़ा सा साइडवेज है, कंसोलिडेशन है, रोज बाजार बढ़ नहीं सकता अभी तो फिलहाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है मार्केट एक रेस्ट ले रहा है, जब तक 22,250-300 निफ्टी में इंटैक्ट है आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे थोड़ा सा एक बस कंसोलिडेशन मोड में है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का 46,800-47,000 एक सपोर्ट है, तो वी कैन से कि टुडे इज अ रेस्ट डे, कंसोलिडेट कर रहा है, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है यहाँ पे। रेस्ट डे है, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाजार में अभी तो, ऐसा कुछ दिखता नहीं, ज्यादा सोचिएगा मत, मोमेंटम इंटैक्ट ही लगता है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, बीच बीच में कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अगर स्क्रीन पे आ रहे होंगे, टिकर टीम हाईलाइट करेगी, तो सेठ साहब से उस पर बातचीत करते चलेंगे। आज लखनऊ जाना है, गुजरात के भुज जाना है और ग्रेटर नोएडा जाना है, जो जो कनेक्ट हो पाए, पैच हो पाए, वो आपके आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। मेरे ख्याल से भुज गुजरात से कनेक्शन अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, हो जाएगा तो डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रख देंगे। पहले लखनऊ जा रहा हूं, स्वाति जी स्क्रीन पे। स्वाति मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, क्या करते हो आप नवाबों के शहर में स्वाति मैम? सर हम गवर्नमेंट टीचर हैं। अरे वाह, लखनऊ में ही? नहीं सर, प्रेजेंटली बहराइच में हम जॉब करते हैं। तो लखनऊ से टू एंड फ्रो करना पड़ता है? जी लखनऊ मेरा घर है।
अरे वाह, और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो मैम? सारे? हाँ, पीआरटी टीचर, ऑल सब्जेक्ट्स। ओह ग्रेट। और साथ साथ स्टॉक मार्केट में रुचि डेवलप हो गई, कब हुई, कैसे हुई? ये कुछ साल भर पहले से मेरी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया। मेरे घर में ही मेरे मतलब रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मतलब पहले मैं म्यूचुअल फंड में ही ओनली इन्वेस्ट करती थी, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो मैं मार्केट में आ गई। और पिछले साल से अब तक मैंने बहुत अच्छा मतलब मुनाफा लिया है। और मैं सीएनबीसी करके मतलब मैं उससे भी इंस्पायर होती रहती हूँ। ऐसे ही बोलो, स्कूल चले जाते हो कि सुबह से शाम तक या दोपहर तक? उसकी मैं लाइव रिकॉर्डिंग लाइव उसमें देखती हूँ, स्कूल में भी जब टाइम मिलता है तो मैं लाइव बीच बीच में कुछ प्रोग्राम्स हैं उसको मैं देख लेती हूँ या रिकॉर्डिंग देखती हूँ फिर जब बाद में होता है टाइम। मान लिया, एक्सेप्टेड। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, आपने फिर जब एक साल में बढ़िया कमाना शुरू कर दिया, स्टॉक मार्केट बढ़िया लगने लगा, समझ बूझ के पैसा कमा रहे हो, तो आपने इंस्पायर करा बाकी टीचर्स को? इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। अब पहले मेरा इंटरेस्ट अच्छे से आ जाए, फिर मैं और लोगों को भी इंस्पायर करूंगी इसमें। स्वाति मैम, पहला सवाल सेठ साहब के लिए कौन सा? सर, मुझे बीपीसीएल के लिए थोड़ा जानना था कि मैंने थोड़ा मार्केट हाई चली गई थी इसकी, तब मैंने उसे परचेज किया 660 की रेट पे। और अभी वो फिलहाल बहुत नीचे चला गया और मुझे दुखी कर दिया उसने, तो क्या इस पे मुझे और लेना चाहिए या इसी पे मैं बनी रहूं? और मतलब शॉर्ट टर्म व्यू था, इलेक्शन तक का व्यू था इसको। तो इलेक्शन अभी आए कहां है? नहीं, तो अभी इलेक्शन तक का व्यू है, मतलब अभी दो महीने। तो दुखी क्यों कर दिया उसने? आपने टाइम दिया हुआ है उसको, क्या पता चल जाए, नहीं चले चलेगा तो अमित जी बताएंगे। अभी जल्दी दुखी कैसे हो गया? आपको सोचा जिस दिन लगाया उसी दिन से कमाई शुरू है ना? नहीं, थोड़ा नीचे जाता है तो धड़कने डर लगता है, डर लगता है, बुरा लगता है, अपना मेहनत का पैसा है जो डूब रहा है। ठीक बात, बिल्कुल। अच्छा, ये स्टॉक कैसे चुनते हो आप? जब स्कूल में बैठे रहते हो तो टेक्निकल्स देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, या फिर ऐसे ही जो पसंद आता है उसमें डाल देते हो, कैसे होता है ये? मतलब मैं अभी सीख रही हूँ, बाकी मैं आपके चैनल नहीं, से वो ठीक है। तो ये बीपीसीएल कैसे चुना? बीपीसीएल मैंने एक्चुअली जो सेक्टर बढ़ रहा था, मतलब पेट्रोलियम सेक्टर का न्यूज आई थी कि ये बढ़ रहा है, तो दो दिन पढ़ने के बाद फिर मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। मैंने लिया तो वो गिर गया। एक वीडियो याद आने लगा मुझे, अच्छा करा था जिसने भी प्रेजेंट। लेकिन सेठ साहब, व्यू इलेक्शन तक का है, हो सकता है अप्रैल से मई के बीच में वो इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन हो, तो अभी उस हिसाब से टाइम तो मेरे पास है, पर वो स्टॉक क्या है 20-30 रुपए नीचे चल रहा है मेरी खरीद से, लग रहा है दमखम क्या है स्टॉक में। अभी कोई ब्रोकरेज आई थी, फंडामेंटली कह रही थी अभी भी दमखम है, वो कुछ एग्रेसिव टारगेट्स देके गए थे, पर आपका व्यू क्या बनता है? रखूं नहीं रखूं, और रखूं तो स्टॉप लॉस लगा के कहां पे रखूं? आशीष जी, मेरे हिसाब से इनको रखना चाहिए, इनका जो दुख है मेरे को लगता है इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक इन्होंने जब लिया तो एक अप मूव में था, उसके बाद एक स्टॉक पुलबैक मूड में आया, और इस पुलबैक मूड में हमने देखा 10 और 20 डेवा बड़ी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हुआ, स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, और आज के सत्र में वापस अप मूव देख रहे हैं। तो जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि 670-672 जो इनका प्राइस है वो तो 203 दिनों में आ जाना चाहिए, तो बने रहे इसमें। और प्रीवियस स्विंग है की तरफ जो कि लगभग 700 के आसपास है, वहां भी जा सकता है, तो बिल्कुल बने रहे। सेटअप फेवरेबल है, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस क्योंकि अगर हम आज की पोजीशन से देख रहे हैं तो 625 का एक स्टॉप लगाना चाहिए आपके, आशा करता हूँ टारगेट्स भी आएंगे क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और प्राइस क्रॉस भी होगा स्ट्रक्चर देख के। बुरा बेट नहीं है, 625 पे लगाइए अपना स्टॉप लॉस और होल्ड करिए, शायद जो अभी फिलहाल डिसअपॉइंट कर रहा है वो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा दिन ना चले, ये स्टॉक रिटर्न दे के जाएगा आपको, बढ़िया चॉइस है। लौटता हूँ स्वाति मैम अगले सवाल के लिए, पहले ग्रेटर नोएडा से याशी वर्मा स्क्रीन पे। याशी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम, क्या करते हो ग्रेटर नोएडा में आप? मैम आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार इक्विटी मार्केट्स में आए? इक्विटी मार्केट में मेरे को ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए, और मेरे पास 3 साल से मतलब एक शेयर पड़ा हुआ है, मेरा शॉर्ट टर्म जो गोल था वो लॉन्ग टर्म कन्वर्ट हो गया, एंड फ्रॉड एनालिस्ट में मैं ग्रेटर नोएडा। मुझे थोड़ा सा हेजी से आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? सॉरी मैम, याशी मैम थोड़ी चीजें मैं समझा नहीं आपने क्या कहा, इसलिए मैं फॉलो अप में कुछ पूछ नहीं पा रहा हूँ आपसे। खैर, अपना स्टॉक पूछ डालो पहले याशी मैम, पहला कौन सा? दीपक नाइट्रेट। ओके,
मैम लिया हुआ है, लेने का मन है? मेरे पास 12 लिया हुआ है 2021 से, 12 शेयर है मेरे पास 26.39 पे। इसमें क्या मैं सलाह लेना चाहूंगी, होल्ड करना चाहिए या फिर लॉस पे एग्जिट लेना चाहिए? बार बार हाई पे आता है, 2500 के अराउंड हाई पे आया था अभी, बट फिर वापस वही 2100-2200 पे मूव कर रहा है। हाँ नहीं, कई सारी केमिकल कंपनी उस लिहाज से डिसअपॉइंट कर रही है। दीपक नाइट्राइट भाई, सेठ साहब क्या करूं, 400-450 रुपए पर शेयर का लॉस, 2600 की खरीद है, 2200 पे खड़ा हुआ है, रखे रहूं क्या? जी आशीष जी, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले कई दिनों से अपने 200 एमा पे कंसोलिडेट कर रहा है। अप ट्रेंड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन कंसोलिडेशन जरूर नजर आता है 200 एमा के आसपास, जो कि लगभग 2160 के लेवल्स के आसपास आता है। लेकिन स्टॉक को प्रॉब्लम आ रही है अपने 10 और 20 एमा के ऊपर सस्टेन करने में। जब भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है तो एक वापस पुल बैक देखते हैं। तो मेरी सलाह ये यहाँ पे यही है कि 2160 के स्टॉकों से बने रहें, एक बार इसे होल्ड करें। लॉस आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर 2160 टूटता है तो फिर यहाँ परेशानियां बढ़ेंगी, वहां पे एक डीपर करेक्शन देखेंगे। तो लेट्स होप ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही है एंड इट विल रिजॉल्व ऑन द अपसाइड। बट ये रेजोल्यूशन के लिए जरूरी है कि 2160 जो कि इसका 200 एमा है वो इसे होल्ड करें। कंसोलिडेशन ही है, वापस चलेगा लग ये रहा है, लेट्स होप फॉर दैट। लेकिन अगर वो थ्योरी गड़बड़ा रही है तो उसके लिए 2160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अगर इसके नीचे जा रहा है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी स्टॉक की। होल्ड करिए आप 2160, लेकिन अपने पोजीशंस पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। मैम स्वाति मैम, अगला सवाल कौन सा बीपीसीएल के बाद? सर अगला सवाल मेरे टाटा मोटर्स के लिए है। एक्चुअली मैंने 879 की बाइंग है, और इसका क्या मतलब लॉन्ग टर्म व्यू है, तो क्या सजेशन रहेगा? और लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, मतलब आपने क्या सोचा? मैं तो इसको अच्छे शेयर के रूप में ले रखी हूँ कि ये अगर मुझे जितने साल भी वेट करना पड़े मैं करूँगी। अभी तक मैंने इसे 550 पे भी लिया था, बट 800 के आसपास मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, तो मैंने फिर से इसमें एंट्री मारी। बहुत बढ़िया, मुनाफा बांधा था, फिर एंट्री मारी, फिर मुनाफा हो रहा है। मेरा आइडिया है लंबी अवधि के लिए रख लेने का सेठ साहब। वैसे टाटा मोटर्स थोड़ी सी सिक्लिकल स्टोरी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वो जेलआर का घूम जाना परफॉर्मेंस के बाद वो सब आएगा। एज ऑन डेट लगता है क्या थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखे रहूँ? अभी दम कम है कि नहीं स्टॉक में, ये बताओ। जी आशीष जी, एज ऑन डेट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काफी हायर है, हाई लोस बन रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक 1025 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक लोअर लेवल से लिया है। तो जब आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं और उसमें प्रॉफिट है, तो जरूरी है एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना कि आपका जो प्रॉफिट अभी तक बना वो प्रोटेक्टेड रहे। तो जब तक आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट में 945 का एक स्टॉप लॉस बना के ट्रेल करें, अपनी पोजिशन को होल्ड करें, 945 के नीचे जाए तो अपना मुनाफा एक बार बांध ले, नहीं तो बने रहे। मुझे लगता है 1025-1050 इसमें आ सकता है, तो बने रहे विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 945। मैंने इस बात के लिए इसलिए स्ट्रेस डाला था एज ऑन डेट स्वाति मैम, क्योंकि अभी तक तस्वीर बढ़िया है। आप इसको थोड़ा सा रिव्यू करते रहना, इसके क्वार्टरली नंबर्स भी देखते रहना, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कभी कभी एबरेशन बहुत तगड़े आते हैं इसके क्वार्टरली नंबर्स पे, इसीलिए अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, इस समय होल्ड करिए, बढ़िया मुनाफा बन रहा है, 945 का स्टॉप है। याशी मैम हमारा अगला सवाल। अगला सवाल मेरा AWL से है, उसमें मेरे पास 30 शेयर हैं 430 के रेट पर, तो उसमें क्या करना चाहिए? अदानी विल्मर, भाई सेठ साहब ये बहुत लोगों का सवाल है। अदानी के डिफरेंट स्टॉक्स एक्यूमुलेट सबने करे थे जब पिटे थे, या कई लोग ऊपर से फंसे हुए हैं। बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो बहुत मीनिंगफुली बाउंस बैक कर गए, ये अदानी विल्मर उनमें से नहीं है। हाल फिलहाल थोड़ा बहुत सुधरा जरूर है, लेकिन उस तरह से मीनिंगफुल बाउंस बैक आया नहीं है। इसके हायर लेवल्स कहीं दूर के थे। अभी भी रख लूं कि नहीं रखूं? मेरी 50 रुपए की हर शेयर पे लॉस हो रहा है, 35 क्वांटिटी है। आशीष जी, इसके बारे में हमने लास्ट शो में भी बात किया था। 410 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्टॉक बार बार वहां आपको 410 के लेवल्स को देखा जा रहा है, टच करके वापस रिवर्स कर जाता है। फिलहाल 200 एमा के ऊपर होल्ड कर रहा है, मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। 3-4 दिन पहले जरूर एक वॉल्यूम देखा था, उसके बाद थोड़ा साइडवेज रेंज में चला गया है। तो इसमें बने रहे, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 370 के आसपास। थोड़ा सा बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मोमेंटम नहीं है इसमें। बाउंस में
एग्जिट करने के मौके ढूंढेगा, बहुत ज्यादा मोमेंटम इसमें वाकई नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के फरवरी मंथ के एक एक करके सारी कंपनीज के फेब मंथ के अपडेट्स, आज एंजल वन मॉइल वगैरह पर हम लोग रिएक्ट कर रहे थे, अदानी पोर्ट्स के अपडेट्स पे, ये आ गया आपके सामने एमएनएम फाइनेंशियल का अपडेट, स्टॉक दिन के हाईस की तरफ बढ़ता हुआ। खैर क्विकली सेठ साहब, एमएनएम फाइनेंशियल एक बार चार्ट पे चेक हो जाए क्या, 2/3% मजबूत है इस समय अपडेट्स के बीच? जी आशीष, एक सेकंड, उस बीच नंबर पढ़ देता हूं मैं। फरवरी में कलेक्शन एफिशिएंसी बिना बदलाव के 97 करोड़ है कि 97% है, और डिसबर्समेंट में 13% का जंप साल दर साल, कलेक्शन एफिशिएंसी में खाली परसेंटेज में आनी चाहिए, कुछ होगा अपडेट आएगा। सेठ साहब बताइए चार्ट्स। जी आशीष जी, ये स्टॉक भी एक लंबी कंसोलिडेशन में लग रहा है, इसका रेंज लगभग नीचे का हम देखें तो 280 और ऊपर में 300, ये एक दायरे के सीमित दायरे में पिछले 2-3 महीने में घूम रहा है, तो जब ये रेंज का रेजोल्यूशन होगा तभी तेजी देखेंगे, फिलहाल कह सकते हैं स्टॉक कंसोलिडेशन में, 300 के ऊपर चले तो यहाँ पे फिर एक तेजी बनती है। ओके चलिए इस नोट पर एक काम कर रहा हूँ, स्वाति मैम, याशी मैम, थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म पे जुड़ के क्वेरीज रेज करने के लिए, सेठ साहब ब्यूटीफुली क्वेरीज के लिए हमेशा की तरह सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद, कंफर्ट के साथ मैं कहता हूँ सब खुश होंगे आपके आंसर्स के साथ, सबको कंफर्ट मिला होगा उन स्टॉक्स में। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का एक पे एक मार्केट अपडेट, मार्केट चेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मार्केट सुखैर टिकट टीम ब्यूटीफुली नीचे चला रही है, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में दो चीजों का आजकल बोलबाला है, या तो वो सरकारी हो या वो टाटा ग्रुप की हो। अब वायदा के गेनर्स देखिए आप, BHEL NTPC जैसी सरकारी कंपनी गजब करी नहीं, BHEL तो 12-13% मजबूत है, ऐसे ही टाटा ग्रुप लगातार एक्टिव है, आज भी टाटा कम्युनिकेशन टाटा पावर जैसे स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे, 3.5-3% का उछाल इनकाउंटर्स में, तो ये वो पॉकेट्स है जो आउट परफॉर्मेंस इनकी कंटिन्यू होती है। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर CNBC वाइज प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेगी, अपन लोग सास बहू और सेंसेक्स में अब कल 12:27 पे करेंगे मुलाकात, आप लोग अपनी क्वेरीज तमाम प्लेटफॉर्म्स पे प्लीज भेजते रहिए। नमस्कार।